हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जहाँ पे हम और एक नाश्ते की काफ़ी हेल्दी काफ़ी डिलीशियस एक रेसिपी आज देखने वाले हैं। ये जो है ये हमने बनाया है काफ़ी, जिससे हेल्दी हम काफ़ी हेल्दी रहता है, जिसे कोई भी खा सकता है, बड़े से लेके बच्चों तक खा सकता है, जिसे हम कहते हैं रागी और नाचनी भी कह सकते हैं आप। उस वैसे हम लोगों ने ये नाश्ता बनाया हुआ है, काफ़ी डिलीशियस है। कुछ वेजिटेबल्स का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, डाइट के लिए तो परफेक्ट है। डाइट इवन अगर आप डेली भी खाते हैं, नाचनी का सेवन डेली भी करते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका जो रेसिपी है। सो ये है नाचनी और उड़द दाल। एक स्मॉल बाउल मैंने नाचनी, जिसे आप रागी भी कह सकते हैं, वो लिया था, और उसमें मैंने 2 स्पून जो है उड़द दाल, ये मैंने रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, बिकॉज़ अच्छे से भीग जाता है। आप अगर सुबह उठने के ये हम लोग नाश्ते में बनाएंगे तो हो सकता है अपने को अच्छे से वो भिगोने के लिए टाइम मिले या ना मिले, तो बेटर है आप इसको रात में भिगो के रख सकते हैं। अच्छे से भीग गया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमको बनाना है इसका पेस्ट, ठीक है। सो पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसको एक मिक्सर के बर्तन में ले लिया है, ये देखिए। इसमें फिर हम लोग डालेंगे जीरा, उसके बाद में ग्रीन चिली हमको इसमें डालना है, और एक दो लहसुन की कली हम लोग इसमें डाल देंगे। तो इसको हम लोग पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पेस्ट के फॉर्म में बनाएंगे। सो ये बन गया है हम लोगों का बैटर। अब हम लोग इसमें कुछ वेजिटेबल्स है, वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब इस बैटर को मैंने एक अलग से बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। पहले तो हम लोग इसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे, कि हम लोगों ने सॉल्ट नहीं डाला था। इसके बाद में हम डालेंगे अनियन, देन शिमला मिर्च, गाजर, और एंड में हम लोग डालेंगे इसमें कॉर्न। सब वेजिटेबल्स को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ, इसमें जब हम लोगों ने वेजिटेबल्स का यूज़ किया है तो ज़रूरी नहीं कि यही सब चीज़ें डाली जाए। और मेक श्योर कि आप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, अगर आप वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहें तो कोई भी 3 या 4 ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 3 से 4, ठीक है। तो जिसमें आप कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, मटर है, ये जो चीज़ें हैं इसमें से कोई भी 2 से 3 चीज़ें आप इस तरह के बैटर में यूज़ कर सकते हैं। सो ये बैटर रेडी है। सो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, थोड़ा सा हल्का गर्म होने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो जो बैटर है वो बैटर में इसको डालूंगी, अच्छे से थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी इसको, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मोटा लेयर ना बन जाए इसमें, तो अच्छे से अंदर से भी अच्छे से बन जाएगा। 1 साइड बनने के लिए 1.5 मिनट लग जाता है। जैसे ही पूरा हो जाए आप इसको फ्लिप कर लीजिएगा, दूसरे साइड से भी उतना ही टाइम के लिए आप रख दीजिए, 1.5 मिनट तो उतना ही लगेगा। मैक्सिमम 10 मिनट का रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर आपका जो ब्रेकफास्ट का रेसिपी है वो रेसिपी बन जाता है। तो आई एम श्योर ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, 100% आपको पसंद आ ही जाएगी ये रेसिपी। तो इस तरह से ये जो रेसिपी है वो बन जाता है। एक बार फ्लिप कर लीजिएगा और एक दो बार आप फ्लिप करके उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरह का वो फाइनल लुक हम लोग का रेडी है। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी का, और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। ये है हमारा फाइनल लुक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।